हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइस इस टाइम मैं जा रही हूँ अपने भाई के घर, मतलब अपने मायके में, मेरे चाचा जी के बेटे के घर में जो है तालीम है आज। वहाँ पर मतलब आलिमा जी आएंगी और हमें मतलब कुछ अल्लाह के मतलब नाम के बारे में बताएंगी कि अल्लाह का नाम लेना कितनी ज़रूरी है, नमाज कितनी ज़रूरी है। तो आज इन्हीं बातों पर चर्चा होगी। तो गाइज़ आप मेरे ब्लॉग के साथ बने रहिएगा और मेरे ब्लॉग को जो है बिल्कुल फुल वॉच करिएगा और देखते हैं मैं आपको क्या क्या दिखा पाती हूँ। बने रहिएगा मेरे ब्लॉग के साथ। तो चलिए चलते हैं। तो गाइज़ देखिए, यहाँ पर डाली है मिर्ची सूखने और यहाँ पर देखिए ये है चूल्हा और यहाँ पर जो पुराने ड्रम होते थे तो ये ड्रम है और अब नए प्लास्टिक के ड्रम चले हुए हैं और यहाँ पर देखिए गमले हैं। आगे मिट्टी है, शायद चूल्हे के लिए रखी होगी और यहाँ पे भी ड्रम है। और बस अब मैं पहुँच जा रही हूँ जहाँ पे तालीम है, यानी मेरे जो भाई हैं उन्हीं का घर है ये। तो देखिए पहुँच गई मैं। आगे मिल जाती है मुझे एक ब्लैक कैटू और ये भी शायद तालीम सुनने ही आई है और अब भाग गई यहाँ से। तो देखिए यहाँ पे तालीम हो रही है की जो सीरत को सीखना है और इसके ऊपर फिर अमल करने। फिर देखो हजरत अबू उमामा रजी अल्लाह तआला नु बोल रहे हैं कि जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत कर रहे हैं वो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कयामत के दिन सबसे बुरे नतीजे वाला, सबसे बुरे जो है जिसका जो है हशर होगा, जिसका जो है बुरा अखलाक होगा, बच्चों का क्या होगा। हमें किसी को फिक्र ये नहीं है कि इन बच्चों के मरने के बाद इनका क्या होगा। असल फिक्र करने की चीज ये है कि ये बच्चे भी तो मरेंगे किसी दिन। हमारे वालिद साहब ने खत्म हो गए, अब हम हैं, है ना। अगर उन्होंने यही फिक्र की होती कि इनके लिए बैंक बैलेंस, हर हर हाल पर रहम फरमा, अल्लाह में सीधे रास्तों पर चलने वाला बना, जिन लोगों से राजी। तो गाइज अब यहाँ पे तालीम भी हो चुकी है और दुआ भी हो चुकी है और औरतें बैठी हुई है, अब चाय पानी होगी और सब गप शप कर रही हैं आपस में। और कोई जरूरी नहीं खाने पीने का इंतजाम करना, कुछ भी नहीं करते, सारा तालीम में आ रहा, सुनना चले जाना। तो गाइज़ देखिए यहाँ पे अब खान पान हो रहा है, सब खाने में जो है मशरूफ़ हुए हैं। मैं भी इनके साथ जो है लगी हुई हूँ। मेरी तबीयत थोड़ी सी मतलब ख़राब तो है लेकिन चलो सहयोग तो देना ही पड़ता है। तो गाइज़ अब हमारी तालीम भी ख़त्म हो चुकी है, हमारे जो मतलब आलिमा जी हैं वो भी जा रही हैं वापस और मैं अपना ब्लॉग भी बंद करती हूँ। आप मुझे बताएं कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।